بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور आ उ़ुबल शनजीम बिस्मिल्ल रही अज़ीज़ों आज हम फातिर की तलावत तर्जुमा और तफसीर से गुजरेंगे आयत नंबर एक तर दो में अल्लाह अल्लाबीन जो ने जो फ़रमाया है उसका ख़ुलासा आपके सामने है अल्लाह अल्लाबहना तै के लिए तमाम तारीफ़ है जो आसमानों और ज़मीन के बनाने वाले हैं फ़रिश्तों को पैगाम रसाँ यानि मैसेंजर मुकर करने वाले हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी मखलूक़ अपनी क्रिएशन में इजाफ़ा करने वाले हैं हर काम और हर चीज़ पर करने की पूरी क़ुदरत रखते हैं यहाँ आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया है अलहमदिल्ला फातिर समावाति वलर्द फ़तर किसी चीज़ के फाड़ने को कहते हैं और फातिर अल्लाह रबूमी की सिफ है यानी अल्लाह ताला आसमानों को फाड़ने वाले हैं ताकि वहाँ से रूहें उतरें और अल्लाह रबुलमी ज़मीन को फाड़ते हैं कि वहाँ से एग्रीकल्चर निकले और हम देखते हैं कि जो भी चीज़ें निकलती हैं ज़मीन को फाड़ के बाहर आती हैं तो अल्लाह की यह फातिर की सिफत है फिर दूसरी चीज़ अल्लाह ने यह बताई कि मैं अपनी मखलूक में जैसे चाहता हूँ इजाफ़ा करता हूँ तो यहाँ पे मिसाल अल्लाह ने फरिश्तों की दी है कि फरिश्तों के अल्लाह ताला ने दो दो तीन तीन और चार चार बाज़ू बनाए हैं एक हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात को अलैहि सलाम को देखा कि इनके छः सौ पर थे अब ये सब कुछ अल्लाह हमें विजुलाइज़ करने के लिए बताया है कि मेरी मखलूक में इजाफ़ा भी हो सकता है कमी भी हो सकती है फ़रिश्ते जिसम और पर रखते हैं बस ये अल्लाह ने हमें बता दिया इस पर ईमान लाना वाजिब है बाकी इसकी कैफ़ियत कैसी के वो कैसे होंगे और तफसील और कुरेद में जाना इससे अल्लाह ताला ने मना किया है क्योंकि ये फिर कुफर और गुमराहि की तरफ ले जाने वाली बातें होती हैं और शैतान इसमें इजाफा करता है इसलिए हमें बस इतनी नॉलेज काफ़ी है फिर आयत नंबर दो में अल्लाह ताला ने ये फ़रमाया है कि मैं जिस रहमत का दरवाज़ा खोल देता हूँ उसे कोई रोकने वाला नहीं है और जिस रहमत का दरवाज़ा मैं बंद कर देता हूँ उसको कोई खोलने वाला नहीं है तो नब़ी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद ये दुआ किया करते थे कि अल्लाहुम्मा ला व ला औति लिमा मन अवता एल्ला जो कुछ तूने दिया है इसे कोई रोकने वाला नहीं और जो कुछ तूने रोक दिया उसे कोई देने वाला नहीं अगर हम इस आयत और इस दुआ पे गौर करें ना तो हमारी जिंदगी में सुकून ही सुकून आ जाए फिर हम ये नहीं कहेंगे कि फला की वजह से हमारा ये नुकसान हो गया किसी और ने हमारा रास्ता रोक लिया हमारी तरक्की होनी थी हमें ज्यादा पॉइंट्स मिलने थे लेकिन उस शख्स ने आन के बीच में गड़बड़ कर दी नहीं जब अल्लाह ने यह फरमा दिया कि मेरी रहमत को कोई रोक नहीं सकता तो जो शख्स ये चाहे कि उसके ऊपर अल्लाह के इनाम ज़्यादा से ज़्यादा हों तो ऐसे काम करे जिससे अल्लाह राज़ी हो और उसको अपनी नेमतों से नवाजे फिर इंसान को ये चाहिए कि वो लोगों से उम्मीदें लगाने के बजाय अल्लाह से उम्मीद लगाए और क्योंकि अल्लाह अला को का दीर अल्लाह ताली हर चीज़ पर कादिर हैं ये चीज़ इंसान का अगर यकीन इस बात पे हो जाए तो वो मुतमइन भी रहता है और उम्मीद भी रहता है कि अल्लाह ताला तो मेरी ज़रूरियात से वाकिफ है और पूरी भी कर सकता है तो वो पूरी उम्मीद के साथ दुआ करता है और अल्लाह की क़ुदरत पे भरोसा रख के इंतज़ार करता है तो ये चीज़ हमारे ईमान को बढ़ाती है हमारे ईमान में मजबूती देती है यह आयत और फिर इंसान किसी दूसरे से ना वास्ता लगाता है ना उम्मीदें लगाता है ना भरोसा करता है और उसका ईमान अल्लाह पर पुख्ता तरीन होता चला जाता है आयत नंबर तीन में अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़रमाते हैं कि लोगों तुम पर अल्लाह के जो एहसानात हैं उन्हें याद रखो अल्लाह के क्या क्या एहसानात हैं हमारे ऊपर वो हमारे खालिक हैं उन्होंने हमें क्रिएट किया वो हमारे राज़िक हैं वो हमें रिस्क देते हैं वो इलाह हैं, वो हमारे मददगार और दोस्त हैं और वो तमाम मामला को देख भी रहे हैं और सुधार भी रहे हैं दुरुस्त भी कर रहे हैं और सबसे बड़ी चीज कि हमारी हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने अम्बिया को भेजा फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कोई और तो तुम्हें ये रिजुक नहीं देता तो फिर तुम क्यों किसी और को मबूद मानते हो किसी और से क्यों उम्मीदें लगाते हो क्यों धोखा खा रहे हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स इस कदर नेकियां लेकर आएगा कि अगर पहाड़ पर भी रखी जाए तो पहाड़ भी भारी हो जाए लेकिन उस नेकियों के मुकाबले में जब अल्लाह ताला की नेमतें सामने रखी जाएंगी तो तमाम नेकियां अल्लाह की एक नेमत के मुकाबले में हल्की हो जाएंगी यानी नेक ने, नेमतें इतनी ज्यादा हैं अल्लाह ताला की हमारे पर कि हम उसका आ, सोच भी नहीं सकते अगर हम अपनी जिसम के ऊपर ही गौर करें तो हमारे हाथ पैर जिसमानी अज़ाई इतने ज़्यादा अल्लाह ताला ने बेहतरीन बनाए हैं कि हैरान होते हैं अगर जब हम इन साइंसदानों की आ, सुनते हैं कि कान के अंदर फोर थाउजेंड से ज़्यादा बारीक बारीक हड्डियाँ हैं आँख के अंदर तीन करोड़ से ज़्यादा आसाब हैं के सिरे हैं फिर अगर हम ज़मीन पे गौर करें तो ज़मीन और सूरज के दरमियान के फासला सिर्फ़ एक चीज़ को अगर हम ले लें तो अगर ये फ़ासला कम या ज़्यादा हो जाए तो इंसान कभी सर्दी से मर जाएंगे या गर्मी से मर जाएंगे अगर ज़मीन की रोटेशन रुक जाए तो समंदर पानियों से ख़ाली हो जाएंगे अगर ये रोटेशन की रफ़्तार कम या ज़्यादा हो जाए तो ज़मीन के अज्जा अलग हो जाएंगे मकान तामेर नहीं हो सकेंगे अगर डेली रोटेशन रुक जाए और एयरली रोटेशन जारी रहे तो सर्दी और गर्मी का आना ख़त्म हो जाएगा और फसलें उगना ख़त्म हो जाएंगी हवा में ऑक्सीजन ट्वेंटी वन परसेंट है अगर वो फिफ्टी परसेंट हो जाएगा हो जाए तो ज़मीन तो में आग लग जाएगी अब हम सोचें अल्लाह रबालमी ने किस किस तरह से हमारे लिए इनामात रखे हैं नमते रखी हैं है, और हम क्यों अल्लाह ताला को भुलाई दे रहे हैं अल्लाह फरमाते हैं कि तमाम मामला अल्ला ही की तरफ रुजू होने वाले हैं यानी कोई भी दुनिया में काम गलत करके चला जाए या दुरुस्त करके चला जाए कोई एहसाना का शिक्र अदा करे और कोई नाफरमानी करे ना शुक्री करे ये तमाम मामला अल्लाह ने डे ऑफ जजमेंट के लिए रखे हुए हैं कि उस दिन अल्लाह इन सारे मामला का फ़ैसला करेगा अब हम आयत नंबर पाँच दस सात का तर्जुमा लेते हैं अल्लाह ताला ने बार, बार याद दिया, याद दिलाया है देखो लोगों अल्लाह का वादा सच्चा है दुनिया की ज़िंदगी एक धोखा है और शैतान बड़ा धोखेबाज़ है और तुम्हारा दुश्मन है ये अपने पीछे चलने वालों को दो ज़ख़् में ले जाएगा और अल्लाह ताली फरमाते हैं कि जो दो ज़ख है वहाँ पर कफुर करने वालों के लिए अज़ाब और आखरत के दिन नेक अमल करने वालों के लिए मकफिरत है शैतान को अल्लाह ताला ने धोखेबाज कहा है क्योंकि शैतान धोखा देने के लिए हमेशा दोस्त बनकर आता है बहुत फ्रेंडली तरीके से आता है अपने बहुत खलूस का यकीन दिलाता है और कहता है देखो इस काम में तो तुम्हारा भला है फायदा है इस मौके को अवेल कर लो अभी ना किया तो कभी ना कर सकोगे यही वक्त है भरपूर फायदा उठाने का ये तुम्हारा फायदा है ऐसे चांस बार बार नहीं मिला करते यानी ये सब कुछ थाट जो है ना शैतान हमारे दिमाग में डालता है मिसाल के तौर पर एक बात कहता है मौसीकी तो रूखे गज़ा है हिजाब के बारे में कहता है कि नहीं नहीं इसकी वजह से, से सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहता आपने आपको छुपाने की क्या जरूरत है जब इतनी ब्यूटी अल्लाह ने दी है तो और गुफ्तु के बारे में हमारे जहन में आता है जो चाहे कह दो बोल्ड कर, गुफ्तु करना ही तो कॉन्फिडेंस है आजकल तो जो शर्माया वो गया ये सारी बातें शैतान की तरफ से हमारे जहन में आती हैं और जबकि मौसीकी के बारे में यह है कि मौसीकी रूह की गजा नहीं है मौसीकी रूह का नशा है और नशा बर्बाद कर देता है और इसी तरह शैतान हर रिश्ते में हमारे अंदर कन्फ्यूजन डालता है और दिलों में ये बात डालता है कि दूसरे ने तुम्हारा हक ले लिया ये चीज तो तुम्हें मिलनी चाहिए थी ये को क्यों मिल गई तुम्हारी इज्जत नहीं की गई इन लोगों ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया अब जो लोग इस शैतान की बात को मान लेते हैं तो बर्बाद हो जाते हैं दुनिया में भी ये होता है ना कि जिसको हम अपना बेनिफिशर अपना दोस्त अपना फ्रेंड मानते हैं उसकी हम बात मान लेते हैं और दुश्मन को तो दायरा को करीब से भी नहीं गुजरने देता इसी तरह शैतान दोस्त बनकर आता है तो अल्लाह से मुलाकात का यकीन जिन लोगों को होता है वो शैतान के इन फरेब में नहीं आते इन बहकावों में नहीं आते वो इनकार करते हैं वो रिफ़्यूज़ करते हैं और अल्लाह का दामन खाल थामते हैं और अल्लाह ताला का दामन थामने का जो तरीका है वो ये है कि अल्लाह का जिक्र करते हैं अल्लाह का नाम लेते हैं काम की इब्तिदा से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं किसी चीज़ को देखते हैं तो सुभान अल्लाह कहते हैं कोई नेमत मिलती है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं अगर कोई मुश्किल आती है तो है है कहते हैं तो इस तरह वो अल्लाह के करीब हो जाते हैं, और की में आ जाते हैं। पर आठ तौ में अल्लाह रबीन ये फरमा रहे हैं कि जो लोग बुरे अमल को बेहतर या अच्छा समझते हैं अल्लाह ताला उन्हें गुमराहि में डाल देता है और अल्लाह जिसे चाहता है राय रास् दिखाता है और ए नबी करीम सरसलम आप गुमराह लोगों के लिए जान को ना घुलाए अब ये बात जो अल्लाह रबी ने फरमाई कि जिसे चाहता है राह रास दिखाता है इसकी बात हकीकत यह है कि अल्लाह ताला उस शख्स को राह रास दिखा देते हैं जो अपनी बुराई को बुराई समझ रहा हो दिल में गलत को गलत मान रहा हो और ये समझ रहा हो कि हाँ मैं कोई गलत या बुरा काम कर रहा हूँ तो ऐसे शख़्स को तो समझाया भी जा सकता है कभी उसका अपना ज़मीर भी उसको मलामत करके दुरुस्त रास्ते पे ला सकता है क्योंकि उसकी सिर्फ आदतें बिगड़ी होती हैं उसका जहन नहीं बिगड़ा होता लेकिन एक दूसरा शख्स होता है जिसका जहन ही तब्दील हो चुका होता है जो बुरे और भले में कोई फ़र्क ही नहीं महसूस करता और जिसको गुनाह में ही मज़ा आता है और वो गुनाह को गुनाह समझने के लिए तैयार नहीं होता और कोई इसको समझाए तो उसकी समझाने को बुरा मनाता है तो अल्लाह ताला ने तहे कि फिर मैं भी उसको उसी रास्ते पे जाने देता हूँ फिर मैं भी उसको जबरदस्ती नहीं रोकता तो अल्लाह के चाहत जो है वो अल्लाह के इल्म की बिना पर होती है ये नहीं है कि नाउज बिल्ला अल्लाह ताला किसी को ना पसंद करता है तो उसे राह रास नहीं दिखाता बल्कि जो शख्स अपने अमाल से अपने आप को इस बात का मुस्क बना लेता है कि उसने ना सुनना है ना मानना है तो अल्लाह ताला भी इसको छोड़ देता है और फिर अल्लाह ताला ने एक मिसाल दी है कि अल्लाह ही तो हवाओं और बादलों को भेजता है और इन बादलों से जब बारिश बरसती है तो ऐसा लगता है कि जो जमीन बिल्कुल डेड पड़ी हुई थी अचानक उसमें से एग्रीकल्चर और पौधे और चीजें निकलनी शुरू हो गई यानी मुर्दा जमीन जिंदा हो गई इसी तरह अल्लाह कहते हैं ये तो तुम आए दिन देखते हो ना तुम्हारे ये उसमें मुशाहिदे में आता ही है कि बारिश के बाद नई नई फसलें और छोटे छुट छोटे पौधे निकलते हैं हम तो अल्लाह ताला इसी तरह मुर्दा इंसानों को भी जिंदा कर देंगे जैसे वो एक मुआवजा है वैसे इंसानों का अः दोबारा बनाना भी अल्लाह के लिए आसान है हमें वो तो आसान लगता है क्योंकि वो तो हमने आए दिन देखा होता है लेकिन हमने मुर्दे को जिंदा होते हुए नहीं देखा इसलिए हमें ये मुश्किल लगता है लेकिन अल्लाह तला के लिए कोई काम भी मुश्किल नहीं है आयत नंबर 10 में अल्लाह रब्बुलाल आलमिन ये बात फरमा रहे हैं कि जो भी इज्जत चाहता है वो ये बात जान ले कि इज्जत सारी की सारी अल्लाह रब्बुलाल आलमिन के हाथ में है और इज्जत हासिल करने का तरीका रब्बुलाल आलमिन ने ये बताया कि पाकीजा बात और नेक अमल ये बुलंदी की तरफ ले जाता है बुलंदी की तरफ ले जाने से मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुलाल आलमिन का क़ुर्ब नसीब होता है और दुनिया और आखिरत की दोनों जहानों की भलाइयाँ और इज्जत इसी अमल से मिलती है तो हमें यहाँ पे एक फार्मूला मिला कि अगर हम इज्जत चाहते हैं तो उसूल बना लें कि सच्ची बात अमल वाले हमेशा हमेशा इज़्ज़त की तरफ लेके जाएगा और झूठी बात और गलत अमल ये हमेशा बेइज्जती की तरफ लेके जाएगा चाहे आर्जी तौर से इसमें कोई फ़ायदा नज़र आए कोई कामयाबी नज़र आए कोई एप्रिसिएशन नज़र आए लेकिन इन दी एंड झूठी बात भी खुल जाती है और बुरा अमल भी ज़ाहिर हो जाता है तो अल्लाह रबालन का बताया हुआ ये फार्मूला हमेशा के लिए है कि जो लोग विकेटनेस करते हैं चाले चलते हैं उनके लिए बुरा अज़ाब है और इनकी जो चलाकियाँ हैं वो दुनिया में भी बर्बाद होंगी और आखिरत में भी बर्बादी का बाइस बनेंगी प्रंसी के स्टार्ट के फर्स्ट थ्री मंथ्स में इंसान की तकदीर लिख दी जाती है और अल्लाह ताला फरिश्ते को भेजते हैं जो चार चीज़ें लिख देता है उसकी रोज़ी उसकी मौत उसका अमल और उसका ठिकाना जो कि आखरत में उसको मिलेगा अब जब ये तकदीर लिख दी गई है तो इस तकदीर फिर इंसान ये सोचे कि हम अमल ही क्यों करें जब अल्लाह ने हमारे लिए सब कुछ लिख दिया है तो इसके लिए ये बताया गया है कि तकदीर दो किस्म की है एक तकदीर मुबरम जो कि अल्लाह ताला का अटल फ़ैसला है और जो कुछ भी अल्लाह ताला ने उसके बारे में लिख दिया है वो तब्दील नहीं करेगा दूसरी तकदीर को तकदीर मुअल्लक कहते हैं और ये तकदीर जो है इसमें अल्लाह ताला अपनी मशीत की बिना पर तब्दीली कर देते हैं और वो तब्दीली के लिए नबी करीम सल्लम ने फरमाया है यर ला यरदुल्कदरा दुआ तकदीर को सिर्फ दुआ ही बदल सकती है अल्लाह के फैसले को दुआ के अलावा और कोई चीज तब्दील नहीं कर सकती एक और हदीस में रब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि जो कोई भी ये चाहता है कि उसके रिस्क में फिराक बरकत हो इजाफा हो और उसकी उम्र में इजाफा हो तो उसको ये चाहिए कि वो अपने रिश्तेदारों के साथ बेहतरीन सुलूक किया करे तो ये बात हमारी समझ में आ गई है कि अल्लाह आलमीन ने तकदीर किस तरह से तकदीर के बारे में कुछ लोग गलत कॉन्सेप्ट रखते हैं और वो ये बात करते हैं कि जब अल्लाह ताला ने मेरी तकदीर में सब कुछ लिख ही दिया है तो फिर मेरे अमल करने से क्या फ़ायदा होगा और मैं मजबूर था कि ये मैं अमल करूँ क्योंकि अल्लाह ताला ने लिखा हुआ था तो ऐसी बात नहीं है अल्लाह ताला ने चॉइस रखी है और अल्लाह के लिखने से मुराद ये है कि अल्लाह अपने इल्म के बिना पर यह जानते हैं कि इंसान मुस्तबिल में क्या करेगा और ये उसके इल्म का इजहार है जैसे कि कोई बाप अपने बेटे से या कोई उसाद अपने स्टूडेंट से कह देता है कि मैं तो पहले ही कह रहा था कि तुम फेल हो जाओगे या मैं पहले ही कह रहा था कि तुम्हारी यमा लूंगी तो वो अपने इल्म और ऑब्जर्वेशन की बिना पर कह रहे होते तो अल्लाह तलामैब शहादा है और कायनत की हर चीज का उन्हें पहले से इल्म है तो वो इल की बिना पर उन्होंने लिखा है और अगर कोई शख्स या कोई फर्द अपनी हैबिट्स को चेंज करता है तोबा करता है दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसका ठिकाना जो आखिरत में जन्नत या दो की शिकल में लिखा हुआ है वो तब्दील कर देता है अल्लाह रबालमीन अपने कुदरत की निशानियों की तरफ हमें तवज्जो दिला रहे हैं कि हम कायनात में इस दुनिया में देखें कि अल्लाह ने चारों तरफ हमारे लिए क्या क्या नीमते रखी हैं यहाँ पानी का जिक्र है कि पानी अल्लाह ने मीठा भी रखा है और खारा नमकीन भी और ये दोनों ही हमारे लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है और दोनों ही इंतहाई बेनिफिशियल हैं जहाँ हम देखते हैं कि मीठा और खारा पानी दोनों ही में अलग रहता है कि हमने तुम्हारे लिए रिस्क भी रखा है यानी मछलियाँ और जीनत भी रखी है यानी मोती ज्वेलरी बनाने के लिए और फिर इससे हम सफर भी करते हैं फिर अल्लाह ताला दिन और रात और सूरज और चांद के बारे में जिक्र कर रहे हैं कि ये सब भी अल्लाह ही के हुक्म से निकलते हैं आते हैं और जाते हैं सब अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं और कोई अल्लाह के हुक्म से जरा भी इनकार नहीं करता और फिर कोई भी अल्लाह के इलावा ना उसकी खुदाई में कोई हुकम दे सकता है अलावा कोई, कोई दुआओं का जवाब भी नहीं दे सकता दूसरे मुन बनाए गए माबूद कयामत के दिन अपने मबूद होने का इनकार कर देंगे और साफ कह देंगे हमने तो कभी तुमसे नहीं कहा था कि हमारी इबादत करो और ये सारी बातें अल्लाह आलमीन कह रहे हैं कि मैं तुम्हें दुनिया में ही बताए दे रहा हूँ तो ना कहो कि मुझे इल्म नहीं था और रब और रब बादशाह अल्लाह ने अपने दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं तो बादशाह जो होता है ना उसकी अथॉरिटी को कोई चैलेंज करने वाला नहीं होता वो होल सोल अख्तियार का मालिक होता है तो अल्लाह ने बार बार बादशाह के लफ्ज़ से तशबीह दी है कि जैसे बादशाह को कोई रोक-टोक नहीं सकता इस तरह अल्लाह रब्बुलाल आलमिन की कायनात में उसे भी कोई रोकने वाला टोकने वाला या उसके कामों में مداخلت करने वाला नहीं है आयत 15 अल्लाह रब्बुलाल आलमिन ने अपनी निशानियां हमें बताई अपनी कुदरत के करिश्मों की तरफ हमें متوجہ کیا اور اب اللہ تعالی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اے انسانو تو میرے موताज हो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है बल्कि हम इंसानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन की जरूरत है कि और अल्लाह कहते हैं कि तुम्हारी जगह मैं कोई दूसरी क्रिएट कर सकता हूँ किसी दूसरी तरह की मखलूक को भी ला सकता हूँ दूसरी तरह के इंसान भी बना सकता हूँ लेकिन तुम्हें इस बात पर फोकस करना चाहिए कि तुम अल्लाह के साथ किस तरह का मामला कर रहे हो फिर कयामत के दिन का अल्लाह तला जिक्र करते हुए कहते हैं कि कयामत के दिन कोई किसी के अमल का बोझ नहीं उठाएगा हम सब जानते हैं ये बात लेकिन फिर भी फैमिली और फ्रेंड्स और रिलेटिव ये सारे लोग जब हमारे इर्द गिर्द होते हैं तो हम इनको ज़्यादा तवज्जो देते हैं इनकी तरफ ज़्यादा मुतवज होते हैं अजान की आवाज़ आती है तो हम उसको इग्नोर करते हैं बहुत सारी चीज़ें हम फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए अल्लाह को नाराज़ करने वाली भी कर जाते हैं ये बात है कि इंसान जो है बार बार अपने रब को भुलाता है लेकिन अल्लाह बार बार याद दिलाता है कि तुम तो मुझे भूल रहे हो लेकिन कयामत के दिन ये लोग तुम्हें भुला देंगे और कोई एक छोटा सा भी किसी के अमल में हिस्सादार नहीं बनेगा कि हाँ मैंने इसको इस गलती पे उकसाया था तो अल्लाह इसको माफ कर दे नहीं बल्कि सब उस दिन पीछा छोड़ा लेंगे और कोई अल्लाह के मुकाबले में मदद के लिए नहीं आएगा तो जो अल्लाह से डरेगा और वही अल्लाह के रास्ते पर कामयाबी से चलेगा कुछ चीज़ें इक्वल नहीं होती कभी भी नहीं हमारी निगाह में कोई ब्लाइंड हो और कोई आंखों वाला कभी भी नहीं तारीकी और रोशनी छाव और धूप जिंदा और मुर्दा ये निशानियाँ अल्लाह ने बताई हैं ये डिफरेंट चीज़ें अल्लाह ने जिक्र की हैं कि ये कभी भी एक जैसी नहीं होती और हर इंसान इस बात को समझता है इसी तरह अल्लाह कहते हैं कि काफिर और मोमिन का फ़र्क है हम इन डिफरेंसेस को तो समझ लेते हैं कि जिंदा और मुर्दा एक जैसा नहीं है लेकिन हम ये बात नहीं समझ रहे होते कि काफिर और भी एक जैसे नहीं है और अल्लाह जिसे जाता है अपनी बात सुनाता है तो अल्लाह की बात वही सुनते हैं जो उसको सुनना चाहते हैं और जो सुनना ही नहीं चाहते जो मानना ही नहीं चाहते तो अल्लाह ताला ने उनको ऐसे मिसाल दी कि जैसे कब्र में मुर्दे होते हैं ना वो सुन नहीं सकते तो इसी तरह हिदायत वो लोग पा सकते जिनके दिल मुर्दा हों और नबी करीम और उनसे पहले वाले तमाम अम्बिया ने अल्लाह की तरफ से आने वाली खबरें इंसानों को दी और उसमें जन्नत की खुशखबरियाँ भी थीं और जहनुम का डरावा भी था और ये सब कुछ वो अल्लाह के हुक्म की बिना पर करते रहे हैं और अम्बिया को ना मानने वालों का अंजाम पहले भी बुरा होता रहा है ये हिस्ट्री में मौजूद है आप हिस्ट्री में चले जाए आप सफर कर लें आपको जगह जगह उन कौमों के बस्तियां नजर आएंगी जिनको तबाह और बर्बाद कर दिया गया तो अल्लाह कहते हैं ये निशानियां हैं और तुम देख लो कि उन उनके साथ मैंने क्या मामला किया और कैसी सख़्त सख्त सजा दी तो हम पलट आए हम रुक जाएं, हम नाफरमानी से बच जाएं ताकि हम उस अंजाम से बच सकें आयत ट्वेंटी सेवन से ट्वेंटी एट का तर्जुमा हमारे सामने है इन आयात में अल्लाह ताला ने फितरत की तरफ इशारा किया है और फितरत की मुख्तलिफ़ बातें बताकर गौर और फ़िक्र करने की दावत दी है कि देखें इस कायनात में इस दुनिया में अल्लाह ताला ने कितनी डिफरेंट और कितनी कलरफुल चीज़ें बनाई हैं और आसमान से पानी बरसा के मुख्तलिफ़ल निकलते हैं हम देखते हैं कि एक ही पानी है एक ही जमीन है लेकिन अनार का डिफरेंट मज़ा और कलर और अमरूद का अलग और केले का अलग तो अल्लाह ताला कह रहे मुख्तलिफ चीजें निकालता हूँ और मुख्तलिफ रंगों के पहाड़ इंसान और मवेशी भी अल्लाह ताला ने बनाए अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जो मुख्तलिफ चीजें बनाई और जिन पे अल्लाह ने गौरव फिक्र करने का कहा तो इनको गौरव फिक्र करने से इंसान के अंदर अल्लाह ताला की सिफात का इल्म पैदा होता है अल्लाह कह रहे हैं कि जो अल्लाह की कुदरत का जितना इल्म रखेगा उतना ही अल्लाह से डरेगा तो यहाँ इल्म या उल्मा से मुराद ये नहीं है कि हम साइंस पढ़ लें फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ लें और इनके उसूल जान लें तो हम शायद अल्लाह से डरने लगेंगे नहीं बल्कि हम जब अल्लाह की कुदरत पे गौर फिकर करते हैं कि इतना जबरदस्त रब जो आसमान से पानी बरसा के जमीन को फाड़ के और इतनी डिफरेंट चीजें निकालता है और इतने जबरदस्त जमे हुए पहाड़ उसने कायनात में बनाए हैं और एक एक जर्रा उसके हुक्म से चल रहा है तो जो लोग इस पर गौर करते हैं उनके दिल में फेयर फ्रॉम अल्लाह आता है उनके दिल में एक नरमी आती है एक खौफ आता है और वो अल्लाह से डरने के बाद अल्लाह का हुक्म मानते हैं यानी

पावर के बावजूद तुम्हें माफ़ करता हूँ अगर हम अल्लाह की तरफ पलटते हैं तोबा करते हैं माफ़ी मांगते हैं तो अल्लाह ताला माफ भी कर देते हैं क्योंकि वो बहुत रहीम है आयत ट्वेंटी नाइन अल्लाह ताला एक प्रॉफिटेबल बिजनेस की जिक्र कर रहे हैं कि कुछ अल्लाह के बंदे हैं जो अल्लाह से तजारत करते हैं और वो तजारत किस तरह करते हैं कि अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं नमाज़ कायम करते हैं और जो कुछ रिस्क उन्हें मिला है वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं तिलावत के मायने किसी चीज़ को फॉलो करना किसी के पीछे पीछे चलना और उस रास्ते को अपनाना जो आगे चलने वाला बता रहा हो तो किताब अल्लाह की तिलावत से मुराद के कि किताब अल्लाह जो कुछ भी बता रही हो उसको फॉलो किया जाए और नमाज सिर्फ पढ़ना ही नहीं नमाज को कायम करना यानी ऐसा माहौल बनाना कि सारे लोग नमाज की तरफ आए ये हर मोमिन की जिम्मेदारी है कि वे सिर्फ खुद ही नमाज ना पढ़े बल्कि दूसरों को भी तवज्जो दिलाए दूसरों को भी नमाज की तरफ बुलाए तीसरी सिर्फ जो अल्लाह ने बताई है मोमिनों की उन लोगों की जो अल्लाह से बिजनेस का मामला करते हैं वो ये कि वो अल्लाह के रास्ते में उसका दिया हुआ रिस्क खर्च करते हैं रिस्क में क्या क्या चीज़ें आती हैं माल तो आता ही है इसके अलावा हमारी सेहत हमारी सलाहियतें और हमारा वक्त ये सब भी रिस्क ही है जो अल्लाह ने हमें दिया है तमाम नमते रिस्क हैं और इन नियमतों को अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है अपनी सलाहियतों को भी अपने वक्त को भी और अपने माल को भी और अल्लाह तारीफ़ में कह रहे हैं कि वो छुपा कर भी देते हैं और बता कर भी देते हैं अल्लाह को के दिया जाने वाला माल ज़्यादा पसंद है इस वजह से कि इसमें नियत सिर्फ और सिर्फ़ अल्लाह के लिए रहती है और जो सदक़ात या ज़कात हम बता के देते हैं उसमें ये फायदा होता है कि उससे दूसरे लोगों को भी तवज्जो होती है कि वो भी अपना माल अल्लाह के रास्ते में निकालें हर किसी में नहीं है दोनों चीज दोनों तरह से दिया जा सकता है बस नियत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राजी करने की होनी चाहिए फिर अल्लाह ने ये वादा कर लिया कि जो भी खर्च करोगे उसे तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट के साथ वापस मिलेगा अब हम तो उसी बिजनेस की तरफ जाते हैं ना जहाँ से हमें प्रॉफिट मिले स्टडीज में भी वही वाले सब्जेक्ट लेते हैं जो आगे जाके जिनसे हमें बेनिफिट हो या हमें अच्छी जॉब मिले तो अल्लाह ताला के रास्ते में जो चीज़ एफर्ट की जाएगी जो भी माल लगाया जाएगा जो भी वक्त लगाया जाएगा वो कई गुना हो मिलेगा इन फिर अल्लाह ताला ने उसके साथ ये वादा भी कर लिया कि मैं माफ़ भी करूँगा और कदरदान भी करूँगा और जहाँ पे अल्लाह कदरदान हो तो फिर वो तो देगा ही आयत नंबर थर्टी वन में आलमीन ने नबी करीम वसल्लम को मुखातिब करके कुछ बातें की हैं इसमें से पहली बात कि तुम पर नाजिल होने वाली किताब यानी पिछली किताबों की तस्दीक करती है पिछले पे जो जबूर और इन सब के बारे में कुरान ने कहा कि हाँ ये भी अल्लाह की तरफ से नाजिल करता है और अब इस किताब यानी इस कुरान की हेरिटेंस उनको मिलेगी जो अल्लाह के चुजन बंदे होंगे तो अल्लाह के चुजन होने का मैार किया है वो ये है कि जो अल्लाह की किताब को फॉलो करते होंगे इन बंदों को जो हेरिटेंस रखते हैं कुरान पाक की अल्लाह ताला ने तीन कैटेगरीज़ में तकसीम किया है पहली कैटेगरी में वो लोग हैं जो अपने नफ्स के लिए जालिम यानी अपनी जान पर जुल्म करने वाले हैं सेकंड में वो लोग हैं जो दरमिया अमल करते हैं और थर्ड कैटेगरी में वो लोग हैं जो नेकियों में बहुत आगे बढ़ते हैं बहुत मेहनत करते हैं और इनके लिए अल्लाह ताला ने बताया कि जन्नतें और बेहतरीन इनामात हैं अब हम इन कैटेगरीज पे नजर डालते हैं कि नफ्स पर जुल्म करने वाले कौन हैं या ये वो लोग हैं जो ईमान का दावा करते हैं इस्लाम लाते हैं लेकिन इस्लाम के अहकाम पर अमल नहीं करते गुनाहगार हैं लेकिन काफिर नहीं है सेकेंडली वो लोग हैं जो दरमियान अमल करते हैं यानी वो निकिया भी करते हैं नमाज भी पढ़ते हैं रोजे भी रखते हैं जकआत भी देते हैं दीगर इबादत भी करते हैं लेकिन साथ साथ गुनाह भी करते रहते हैं और जब कोई चीज उनके सामने पेश की जाती है कि आ जाओ फला कॉन्सर्ट में चलना है तो वो उसमें भी शरीक हो जाते हैं यानी गुनाह और सवाब उनके साथ साथ चल रहे थे तो अल्लाह ताला उनको उनकी तौबा पे माफ कर देते हैं और थर्ड ग्रेड में वो लोग हैं जो एक्चुअल में फर्स्ट ग्रेड के लोग हैं अल्लाह ने उनका जिक्र आखिर में करा किया है कि ये बेहतरीन लोग हैं और यही असल में उस किताब का हक़ अदा करने वाले हैं ये क़ुरान के पैगाम पर ख़ुद भी अमल करते हैं और दूसरों तक भी कुरान के पैगाम को पहुंचाने में आगे आगे रहते हैं ये लोग जानबूझकर गुनाह नहीं करते अगर गलती से गुनाह हो जाता है तो शर्मिंदा होते हैं तोबा करते हैं और जो भी काम इस किताब में उनके जिम्मे किए गए हैं उनको बेहतरीन तरीके से अदा करते हैं तो ये लोग बगैर किसी हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे और जो सेकंड कैटेगरी के, के लोग थे जो गुनाह और सवाब दोनों करते थे उनसे हिसाब होगा और उनकी नेकियां अगर ज्यादा होंगी तो अल्लाह ताला उनके नेकियों का पलड़ा ज्यादा भारी होगा तो उन्हें माफ करके जन्नत में भेज देंगे और उनकी तोबा को कबूल करेंगे फिर वो लोग जिन्होंने जुल्म किया, गुनाहगार थे ये के पूरे पीरियड में एक तरफ खड़े रखे जाएंगे और ये हमें अहदीस में मालूम होता है कि कयामत का एक दिन पचास हजार साल से भी ज्यादा का होगा यानी ये इस पूरे पीरियड में पनिश लेके एक तरफ खड़े रहेंगे अपने रिजल्ट के इंतजार में रहेंगे फिर अल्लाह ताला इस कयामत के दिन के जो लॉन्ग पीरियड होगा उसके जो पता नहीं हमारी कितनी सदियों के बराबर होगा उसके बाद उनकी तरफ मुतवज्जे होगा और उनका हिसाब किताब करेगा उनमें से कुछ लोग इस हिसाब किताब में अल्लाह ताला उन्हें माफ करके जन्नत में भेज देंगे लेकिन जिन्होंने कबीरा गुनाह यानी बहुत बड़े वाले गुनाह किए हैं उनको उनकी सजा देने के बाद जहन्नुम में उनको गुजारने के बाद फिर जन्नत में भेजा जाए आयत 34 फोर जन्नती कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह यानी तमाम तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कि उसने गम दूर किया माफ किया और हमारी कदरदानी की गम दुनिया में जो लाहक थे वो भी दूर किए और जो परेशानी थी क़यामत के दिन की के नामाय माल सीधे हाथ मिलेगा मिलेगा या उल्टे हाथ में मिलेगा एक परेशानी थी कि अल्लाह ताला पता नहीं हमारे अमाल कबूल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो ये सारी परेशानियाँ अल्लाह ने दूर कर दी और जो गुनाह हुए अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से माफ कर दिए और जो नेक काम थे अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से कबूल कर लिए और उनकी कदरदानी की तो इस नतीजे में वो शुक्र अदा करेंगे और अल्लाह तला का शुक्र अदा करते हुए कहेंगे कि बेहतरीन और हमेशा रहने वाले घर दिए यानी जन्नत के घर हमेशा हमेशा के लिए हैं और यहाँ कोई थकाने वाला काम नहीं अब हम कंपेयर करें कि दुनिया के घरों को हम साफ करते और सचाते और संवारते थक जाते हैं लेकिन अगले दिन फिर वही काम हमारे मुंतजर होते हैं लेकिन जन्नत तो ऐसी जगह है जहाँ ना कोई काम है और ना कोई गम और इसके अगेंस्ट में जो दो जख्म जाने वाले हैं, वो ये कहेंगे कि अल्लाह ताला रब हमें यहाँ से निकाल दीजिए ताकि हम नेक अमल करें यानी हर शख्स ये चाहेगा का कि हमें दोबारा दुनिया में भेज दी भेज दिया जाए ताकि अब के हम अच्छे अमल करेंगे तो अल्लाह ताला ये जवाब देंगे नहीं क्या पहले जो हमारी उम्र मिली थी उसमें सबक नहीं ले सकते थे अब मजा चखो यानी पे तो रसूल भी आए थे किताबें भी आई थी नेक लोग भी बता रहे थे हर तरफ चीजें भी पहुंचाई जा रही थी सब बात आपको बताई जा रही थी लेकिन आप जानबूझकर इसको इग्नोर कर रहे थे जानबूझ के अपने कान बंद कर रहे थे और आपके पास टाइम ही नहीं था वो बातें सुनने का तो अब दोबारा आपको चांस नहीं मिलेगा आयत नंबर थर्टी एट अल्लाह रबुलमी आलिम समावत हैं और दिलों में छुपे हुए राज जानते हैं और अल्लाह ने हमको जमीन में खलीफा बनाया है खलीफा क्या होता है खलीफा अल्लाह का भेजा हुआ वो नुमाइंदा होता है जो दुनिया में अल्लाह के अहकाम को नाफिज करने इम्प्लीमेंट करने का जिम्मेदार होता है और खलीफा की जिम्मेदारियाँ जो कुरान पाक में हमें बताई हैं सुर तौबा की आयत सेवेंटी वन में अल्लाह ने फरमाया है मोमिन मर्द और मोमिन औरतें ये सब एक दूसरे के रफ़ीक हैं भुलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं नमाज क़ायम करते हैं ज़कात देते हैं अल्लाह और उसके रसूल की अतात करते हैं ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की रहमत नाजिल होकर रहेगी यकीनन अल्लाह सब पर गालिब और हकीम और दाना है यानी मर्द हो या खुवा दोनों को ये दीन फैलाने का काम करना है निकी का हुक्म देना है और बुराइयों से रोकना है इसमें कोई एग्जेपन नहीं है कि खुवान ये काम नहीं करेंगी या लड़कियाँ ये काम नहीं करेंगी ये तमाम के लिए ये जिम्मेदारी है और दोनों से सवाल होगा आयत नंबर फोर्टी टू में अल्लाबिन ये बता रहे हैं कि ये जो काफिर हैं जिस वक्त नबी करीम सलम नहीं आए थे तो ये यहूदियों को अमल करते हुए देखते थे अपनी किताब पे या उनकी जिक्र करते हुए सुनते थे तो ये बहुत कस्मे खाते थे कि हमारे पास भी अगर कोई नबी आ जाता तो हम तो सबसे ज्यादा उस नबी को फॉलो करते हम सबसे ज्यादा उस पर अमल करते लेकिन जब हकीकत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मैसेंजर उन्हें भेज दिया तो उनका क्या अमल था कि वो उस मैसेंजर को इग्नोर भी करते थे और एरोगेंस का मुजाहरा करते थे और बुरी चाले चलते थे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं क्या ये पिछली कौमों की तरह अजाब का इंतजार कर रहे हैं पिछली कौमों के अंजाम से कोई सबक नहीं ले सके ये उन रास्तों से गुजरते थे जहां तबाहशुदा बस्तियां थी के लोग उन रास्तों से गुजरते थे और देखते थे कि मदैन की बस्तियां और दीगर बस्तियां जो तबाह कर दी गई और उनको उनके किस्से मालूम थे लेकिन उन्होंने कोई सबक ना लिया तो अल्लाह कहता है कि अगर इन्होंने उन कौमों के अंजाम से सबक नहीं लिया तो फिर अल्लाह के तरीके में भी कोई तब्दीली नहीं होगी यहा हमारे लिए एक सवाल है कि हम अपने आप से पूछे क्या हम भी पिछली कौमों से कोई सबक नहीं लेते क्या हम भी पास में जाके नहीं देखते कि उन लोगों के साथ क्या सलूक हुआ जिन्होंने अल्लाह की किताबों को झटलाया और नबियों को झुटलाया वो तबाह कर दी गई तो ये जो बातें दर्ज की हैं कुरान में ये हमारे सोचने के लिए हैं कि वो लोग ये काम कर रहे हैं तो हम ये काम ना करें और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखते हैं अल्लाह ताला की सिफ है कि वो आलिम हैं और बाखबर हैं वो हमारे हर अमल से हमारी नीयत से हमारे दिल में उठने वाले ख्याल से वाकिफ हैं वहाँ हम अल्लाह को कोई धोखा नहीं दे सकेंगे कि अल्लाह हमें पता नहीं था या हम करना चाहते थे हमें मौके नहीं मिले अल्लाह को सब कुछ खबर होगी कि दुनिया में हम क्या करना चाहते थे और क्या कर सकते थे और क्या कुछ हमने जानबूझकर नहीं किया यहाँ सूर्य फातिर का अखता हो रहा है और हमने इस सूरत से जो अहम लेसन लेने थे उनको हमने समझने की कोशिश की है अल्लाह ताला हमें इस पे अमल करने की तौफीक दे वाखिर दावाना आलमीन